सोशल मीडिया पर वायरल होने के चक्कर में रील बनाने का चलन अब आम है, लेकिन भौकाल बनाने और जल्द मशहूर होने के चक्कर में लड़के कुछ ऐसा कर जा रहे हैं कि उन्हें बेहद गंभीर परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। गाजियाबाद में भौकाल बनाने के चक्कर में थाने के अंदर रील बनाना इन लड़कों को भारी पड़ गया और रील के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद तो गजब ही हो गया। वीडियो में नजर आ रहे दोनों लड़कों सहित वीडियो को शूट करने वाले युवक सहित कुल 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और तीनों को सलाखों के पीछे जाना पड़ा। पहले आप गाजियाबाद के नंदरगाम थाने के अंदर बनाई गई इस रील को देखिए। कमिश्नरेट के नंदरगाम थाने के अंदर ये रील दो लड़कों की तरफ से बनाई गई। ये रील बनाने वाले शख्स श्वेब और आदिल सैफी हैं। रील में कहा जा रहा है कि हर शख्स यहाँ झूठा है और इनका कोतवाली से रिश्ता पुराना मिलेगा और नादान है वो लड़के जो जाते हैं डेट पर, कचहरी में हमारा ठिकाना मिलेगा। साफ है कि थाने के अंदर रील बनाकर गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस के इकबाल को चुनौती देते दोनों युवक इस वायरल रील में नजर आ रहे हैं और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने भी इनका कोतवाली से रिश्ता बना दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि थाने में रील बनाकर भौकाल बनाने वाले दोनों युवकों के साथ ही रील को शूट करने वाले युवक सहित कुल 3 लोगों को नंदरग्राम थाने में पुलिस की पकड़ में खड़े देखा जा सकता है। दोनों लड़कों को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार करके जहां पुलिस ने आपराधिक रिकॉर्ड में इनका सच में रिश्ता बना लिया और जिसके बाद में अब इन्हें वास्तव में भी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। पुलिस की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई, चलिए सुनवाते हैं आपको। कल दिनांक 24 नवंबर को थाना नंदगांव से संबंधित वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें दो लड़के थाना नंदगांव परिसर में रील बना रहे। इस संबंध में यह अवगत कराना है कि उक्त दोनों लड़कों शोएब आदिल को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही जो वीडियो बना रहा है लड़का सहीद उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त तीनों को गिरफ्तार करके नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए। फिलहाल साफ है कि दोनों को कानून व्यवस्था को चुनौती देकर रील बनाना भारी पड़ गया और हाँ, जैसा कि रील में कह रहे थे कि कोतवाली से रिश्ता पुराना मिलेगा, कचहरी में हमारा ठिकाना मिलेगा, तो पुलिस ने इसका भी इंतजाम बखूबी किया है। गाजियाबाद से मैं गौड़ की रिपोर्ट, यूपी तक।